जिस स्कूल पर बच्चों की फीस जमा ना करने की वजह से उनको तहखाने में कैद करने का आरोप लगा, उस स्कूल में जो बाल अधिकार आरक्षण आयोग है उसके सदस्य पहुंचे हैं। मैडम, क्या जानकारी आपको मिली है और क्या आप यहाँ स्कूल में इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं? फीस डिले होने की वजह से यहाँ पे बच्चों को बिठाया गया था जहाँ पे हम खड़े हैं। कितने बच्चे थे, पेरेंट्स कुछ और नंबर बता रहे हैं, स्कूल कुछ और नंबर बता रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, किन कौन कौन डिफॉल्टर है उनकी भी लिस्ट मांगी, कितने बच्चों को बिठाया गया, अभी हम जा रहे हैं बच्चों से भी बात करेंगे। बट बाल आयोग की तरह से हम ये देखने आए हैं, बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोई सख्ती स्कूल कर नहीं सकता है, चाहे कारण कोई भी हो। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उनका केयर और प्रोटेक्शन होना। एजुकेशन तो बाद में आता है, अगर स्कूल केयर नहीं कर सकता बच्चों का तो एजुकेशन भी नहीं दे सकता है बच्चों को अच्छी। आपकी शुरुआती इंक्वायरी में आपको क्या लग रहा है? गलतियां तो हुई हैं और अभी हम लोग कमीशन वापस जाकर के, हमारी टीम है पूरी, कमीशन वापस जाके इमीडिएटली नोटिस इशू कर रहे हैं स्कूल के खिलाफ। किस तरीके की गलतियों की संभावना आपको लग रही है? लापरवाही और बच्चों के साथ सख्ती, ये दोनों। क्या एक्शन लेंगे? नोटिस इशू करेंगे, फिर पेपर सारे आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, फिर देखते हैं क्या होता है। कब तक आप अपना ये इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे? कर रहे हैं, टाइम लगता है हर चीज में, अभी थोड़ी। तो यहाँ पर जो बाल आयोग के सदस्य आए हुए इस पूरे मामले की जांच के लिए, वो कह रहे हैं कि उनको अपनी शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि स्कूल ने इस मामले में लापरवाही बरती है और जल्द ही स्कूल को एक नोटिस जारी किया जाएगा और इस पूरे मामले में उसका जवाब मांगा जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।